हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अहोई अष्टमी का व्रत रखना है तो मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे जो है उसकी वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप उसको जाकर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अहोई अष्टमी का व्रत रखना है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो वाइट डिस्चार्ज होता है उससे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाली जो आपकी संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कभी ये बिल्कुल लाइट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल पानी की तरह। कभी ये आपको चिपचिपा और गाढ़ा नज़र में आएगा। कभी ये आपको जैसे कि आपका बलगम होता है वैसे आपको नज़र में आएगा। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना या फिर कम वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो ये कब जो है वो नॉर्मल होता है और कब ये नॉर्मल नहीं होता है? अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊँगी जिसको देख के आप वाइट डिस्चार्ज को देख के जो है इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उस टाइम पर आपको जो है डॉक्टर के पास विजिट करने जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज से आप कैसे जान पाओगे कि होने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। और गर्भवती महिला के मन में फ्रेंड्स, 9 महीने की इस प्यारी सी अनुभव भरी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा मायने मन में आते रहते हैं कि हमें जो है एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। ये जिज्ञासा हमको ज़्यादा तब बढ़ जाती है फ्रेंड्स, जब हमारे पहले जो है एक बेटी होती है और हमको परेशान किया जाता है कि हमको जो है एक बेटे की चाहत है। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पति ने जो है ना हमको छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 बेटी थी और उनको बेटा चाहिए था। तो ऐसी अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में धारणा है फ्रेंड्स, बट बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का या लड़की में फ्रेंड्स दोनों ही भगवान की देन होती है, तो हमें दोनों चीज़ में जो है बहुत ही खुश रहना चाहिए। तो जान लेते हैं कि बेबी बॉय के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान 1 से लेकर 3 महीने के बीच में जो आपका वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ही पानी कलर का दिख रहा है आपको और वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है, गाढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत ही लाइट। आपको अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में अगर आपको बहुत गाढ़ा और बहुत ही सफ़ेद ज़्यादा नहीं दिख रहा है वाइट डिस्चार्ज, बहुत ही पतला और पानी की तरह जो है वो आपका वाइट डिस्चार्ज है, तो कहा जाता है कि आपके गर्भ में होने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो वाइट डिस्चार्ज 8वें और 9वें महीने में गाढ़ा हो जाता है या फिर एक लेयर बन जाती है उसकी, अगर आप ऐसे करोगे ना, अगर एक लेयर बन रही है उसकी, तो कहा जाता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। फ्रेंड्स, ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों के बताए हुए ऐसे बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं और बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के ऊपर जो है ये सटीक भी बैठे हैं। अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स आपको नज़र में आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तीसरी बात ये होती है फ्रेंड्स कि वो वाइट डिस्चार्ज में से अगर आपको मतलब कि 5वां या 6ठा महीना चल रहा है और वो वाइट डिस्चार्ज जो है ना वो हल्का हल्का पीला सा होने लग गया, उसका कलर जो है ना हल्का पीला मतलब कि दूधिया टाइप में जो है अगर उसका कलर हो गया, तो ये भी एक लड़की की ओर संकेत देता है। तो आपके पास ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स और होते हैं। साथ में फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज जो है वो क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान और इसका वाइट डिस्चार्ज का एक महिला के शरीर में क्या योगदान रहता है। तो फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज का मतलब होता है कि वाइट डिस्चार्ज हमारे जो बॉडी की पूरी गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है, अपनी आपकी योनि की मदद से जो है वो बाहर आ जाता है। क्योंकि 9 महीने में जो है फ्रेंड्स हमें पीरियड्स जो है वो नहीं होते हैं,
हर महीने पीरियड्स जब होते हैं तो हमारे पेट की गंदगी जो है वो निकल जाती है। अब हमारे पीरियड्स जो है वो बंद हो गए हैं तो वाई डिस्चार्ज जो है ये काम करने लगता है, ताकि बच्चे तक कोई भी बाहर का गंदा बैक्टीरिया जो है वो बच्चे तक अंदर ना जा सके, तो इसलिए जो है वो वाइट डिस्चार्ज हमको होता है। बट ये वाइट डिस्चार्ज कब आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आपको वाइट डिस्चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, बहुत गाढ़ा आ रहा है, जैसे कि दही के पीसीज होते हैं अगर उस टाइप में आ रहा है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ है। तो इस टाइम पर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपके वाइट डिस्चार्ज में अगर आपको बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा अपने प्राइवेट पार्ट में जो है इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, आपको बार बार जो है यूरिन पास करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ये आपको इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो इस टाइम पर आपको जो है ना लड़का और लड़की नहीं देखना है, आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस लेने के लिए ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी फ्रेंड्स कि अगर आपका 9वां महीना या फिर 8वां महीना लग गया है तो आप वाइट डिस्चार्ज से कैसे पता लगाओगे कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलने लग गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना तो म्यूकस प्लग जो है वो निकलने लगता है। अगर वही वाइट डिस्चार्ज जो है आपको बलगम के टाइप का निकलना स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि आपकी बच्चेदानी जो है ना वो सॉफ्ट होकर जो है नीचे को आने लग गई है और आपका जो है म्यूकस प्लग निकलने लग गया है। तो वो आपको गाढ़ा और हल्का पीले रंग का या फिर हल्के गुलाबी रंग का जो है निकलता हुआ महसूस होगा, तो आपको इन बातों को नोट करके रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती रहती है, मतलब कि बढ़ती रहती है, तो वैसे वैसे ही आपका वाइट डिस्चार्ज भी जो है वो ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि म्यूकस प्लग के ऊपर दबाव पड़ता रहता है और आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा होने लगता है। मगर आपकी बॉडी का जो आपका शरीर है वो आपको खुद को पता है कि क्या चीज़ मेरे साथ नॉर्मल हो रही है और क्या चीज़ मेरे साथ नॉर्मल नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना है। 8वें या 9वें महीने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखनी होती है फ्रेंड्स कि अगर आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो ग्रीन कलर का आ रहा है या फिर उसको वो ब्लैक कलर का आ रहा है या फिर डार्क गहरा ब्राउन कलर का अगर आपको वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस टाइम आपको इमीडिएटली जहाँ पे भी आप हो उस टाइम पे आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ग्रीन रंग का, हरे रंग का अगर आपको डिस्चार्ज आता है या फिर हरे गाढ़े भूरे रंग का डिस्चार्ज आता है फ्रेंड्स, तो ये वो संकेत देता है कि बच्चे ने गर्भ में जो है वो पॉटी कर दी है, जिसको मीकोनियम बोला जाता है। और जब बच्चा मेकोनियम पास कर देता है बच्चे की फर्स्ट पॉटी को, तो माँ के अंदर जो है वो 99% जहर फैलने का जो है वो रिस्क हो जाता है। तो उस टाइम पे या तो बच्चे की जान बचती है या फिर माँ की जान बचती है। अगर वही मेकोनियम जो है बच्चा अपने मुंह में ले जाता है, क्योंकि बच्चा जब सुसु पॉटी पास करता है तो वो अपने मुँह में भी ले जाता है, सुसु ही अपने मुँह में ले जाता है, मगर सुसु से कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बच्चे की फर्स्ट पॉटी अगर वो कर देता है गर्भ के अंदर और वो अगर मुँह में चली जाए फ्रेंड्स, उसके बाद जब आपका बच्चा बॉर्न होता है तो वो रोता नहीं है और बच्चे की जो है बोलना नहीं चाहती मैं, बच्चे की जो है डेथ हो जाती है। और ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी में हमने इतने प्यार से अपने कोख में जिस बच्चे को रखा हुआ है, इतने सारे सपने हम संजो लेते हैं कि हमारा बच्चा आएगा कैसे रखना है। तो उस टाइम पे इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा 8वां महीना लग रहा है या फिर 7वां महीना लग रहा है, अभी तो मेरा लेबर पेन में बहुत टाइम है, मुझे लेबर पेन तो भी आया ही नहीं है, तो मेरी डिलीवरी कैसे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका लेबर पेन भी नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को इमरजेंसी में आपका ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की जान और माँ की जान डॉक्टर के लिए बहुत मायने रखती हैं, तो वो दोनों को ही बचाना चाहते हैं। तो ठीक है, आपको इन चीज़ों का जो है वाइट डिस्चार्ज जो है, अगर 9th मंथ में अगर पिंक रंग का या फिर रेड रंग का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये वो संकेत होते हैं कि 15 या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी जो है वो होने वाली है। क्योंकि म्यूकस प्लग जब आपका डायलेट होने लगता है, पिघलने लगता है, खुलने लगता है, तो ये संकेत जो है वो आपको देखने को मिलते हैं।
तो इस वीडियो के अंदर आपके मन में देखने के बाद कोई भी सवाल चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूं और आपके मन के डाउट को भी क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जो है इसको शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।